सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब ऑब्जेक्ट अदर, यही होता है स्टोरी में। अगर ये आपको आ गया तो फिर कोई भी स्टोरी हो आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। देखते हैं, पहला सेंटेंस है, एक दिन एक जुलाहा कपड़ा बुन रहा था तभी उसका लकड़ी का बना करघा टूट गया। एक दिन की इंग्लिश होती है वन डे। वाइल का यूज़ हुआ है क्योंकि कपड़ा बुनते टाइम, मतलब कपड़ा बुन रहा था तभी उसका करघा टूट गया। वन डे वाइल मीन्स कपड़ा बुनते टाइम। वन डे वाइल वीवर वॉज वीवरिंग क्लॉथ, वीवर मतलब होता है जुलाहा, वॉज वीवरिंग बुन रहा था क्लॉथ कपड़े, हिज वुडन लूम ब्रोक, उसका करघा टूट गया। वन डे वाइल वीवर वॉज वीवरिंग क्लॉथ हिज वुडन लूम ब्रोक, उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और किसी लकड़ी की तलाश में निकल पड़ा ताकि उसकी सहायता से वह अपना करघा ठीक कर सके। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, उठाना की होती है पिक्ड, सेकेंड फॉर्म पिक्ड हो गई, अप हिज एक्स, ही पिक्ड अप हिज एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, और किसी लकड़ी की तलाश में निकल पड़ा। एंड सेट आउट मतलब होता है निकल पड़ना, इन सर्च ऑफ की तलाश में, वुड लकड़ी की, और किसी लकड़ी की तलाश में निकल पड़ा ताकि वह उसकी सहायता से अपना करघा ठीक कर सके। ताकि इंग्लिश होती है सो दैट, विद इट्स हेल्प उसकी सहायता से ही कुड फिक्स हिज लूम, वह अपना करघा ठीक कर सके। अगला सेंटेंस कहता है, उसे एक बड़ा पेड़ दिखा, ही सा अ बिग ट्री, उसे एक बड़ा पेड़ दिखा, उसे की इंग्लिश ही सी की सेकेंड फॉर्म सा अ बिग ट्री, वह सोचने लगा, ही स्टार्टेड थिंकिंग, अगर मैं इस पेड़ को काट दूँ, इफ आई कट डाउन दिस ट्री, पेड़ को काटने की इंग्लिश होती कट डाउन, इफ आई कट डाउन दिस ट्री तो मुझे बहुत सारी लकड़ी मिल जाएगी, आई गेट अ लॉट ऑफ वुड, आई गेट मुझे मिल जाएगी अ लॉट ऑफ बहुत सारी वुड लकड़ी, आई गेट अ लॉट ऑफ वुड, और उसने और उससे मैं बुनाई के सारे औजार बना लूँगा, एंड आई मेक मैं बना लूँगा ऑल द वीविंग टूल्स बुनाई के औजार फ्रॉम इट, उससे, और मैं उससे बुनाई के सारे औजार बना लूँगा, टूल्स का मतलब होता है औजार। उसने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ को काटना शुरू किया, ही पिक्ड अप द एक्स एंड स्टार्टेड कटिंग डाउन द ट्री, पेड़ को काटना शुरू किया, इसलिए यहाँ पर यूज हुआ है स्टार्टेड, किसी काम को करना शुरू करना स्टार्ट, ही स्टार्टेड कटिंग डाउन द ट्री, तभी उस पेड़ पर रहने वाला प्रेत बोल पड़ा। देन द घोस्ट लिविंग ऑन द ट्री सेड, उस पेड़ पर रहने वाला प्रेत बोला, देन द घोस्ट लिविंग ऑन दैट ट्री सेड, क्या बोला, यह पेड़ मेरा घर है, दिस ट्री इज माई होम, यह पेड़ मेरा घर है, दिस ट्री इज माई होम, मैं तुमसे इसे छोड़ देने की विनती करता हूँ, विनती करने की इंग्लिश होती है बेग, आई बेग यू, मैं तुमसे विनती करता हूँ, टू लीव इट, छोड़ देने के लिए, इसे छोड़ देने के लिए मैं तुमसे विनती करता हूँ, आई बेग यू टू लीव इट, जुलाहे ने जवाब दिया, द वीवर रिप्लाइड, जुलाहे ने जवाब दिया, द वीवर रिप्लाइड, मेरे पास इस पेड़ को काटने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, आई हैव नो ऑप्शन, आई हैव नो ऑप्शन, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, बट टू कट दिस ट्री, इस पेड़ को काटने के अलावा, बट का मतलब होता है किंतु या फिर अलावा, टू कट दिस ट्री, इस पेड़ को काटने के अलावा, प्रेत ने अनुरोध किया, द फैंटम रिक्वेस्टेड, प्रेत की इंग्लिश फैंटम भी होती है, द फैंटम रिक्वेस्टेड, प्रेत ने अनुरोध किया, मैं जादुई प्रेत हूँ, आई एम मैजिकल फैंटम, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ, आई कैन फुलफिल, आई कैन जहाँ पर सकता आता है वहाँ पर हम कैन का यूज़ करते हैं, आई कैन फुलफिल, मैं पूरी कर सकता हूँ, योर एवरी विश, तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ, बस इस पेड़ को मत काटो, जस्ट डोंट कट दिस ट्री, तुम जो भी वरदान मांगोगे वह मैं तुम्हें दूंगा, जो भी की इंग्लिश होती है वट एवर, बून का मतलब होता है वरदान, यू आस्क,
whatever boon you ask, तुम जो भी वरदान मांगोगे, I will give it to you, मैं तुम्हें दे दूंगा। जुलाहा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। The weaver was very pleased to hear this. Weaver was very pleased, बहुत खुश हुआ, to hear this, यह सुनकर। पेड़ पर रहने वाला प्रेत उसकी हर तरह की इच्छा पूरी करने का वचन दे रहा था। The ghost on the tree was promising to fulfill all his wishes. हालांकि उसने अत्यधिक होशियारी दिखाते हुए प्रेत से कहा, however, हालांकि इंग्लिश होती है however, showing extreme intelligence, अत्यधिक होशियारी दिखाते हुए, he told the phantom, उसने प्रेत से कहा, क्या कहा, मुझे इस बारे में अपनी पत्नी से बात करनी पड़ेगी। जहाँ पर कोई कंपल्सन होता है वहाँ पर हम हैव टू का यूज़ करते हैं, ये फ्यूचर की बात हो रही है तो विल हैव टू, आई विल हैव टू टॉक, मुझे बात करनी पड़ेगी टू माय वाइफ, अपनी मेरी पत्नी से, अबाउट दिस, इस विषय में मुझे मेरी पत्नी से बात करनी पड़ेगी, तुम प्रतीक्षा करो, यू वेट, तुम प्रतीक्षा करो, आई कम सून, मैं जल्दी आता हूँ। इतना कहकर वह जल्दी से अपनी पत्नी के पास राय लेने के लिए भागा। सेइंग दिस, इतना कहकर के ही रैन टू हिज वाइफ, वह अपनी पत्नी के पास भागा टू गेट हर ओपिनियन, उसकी राय लेने के लिए। रास्ते में उसे एक मित्र मिला। रास्ते में, ऑन द वे, रास्ते में एक इंग्लिश होगी ऑन द वे, ही मेट अ फ्रेंड, उसे एक मित्र मिला, मित्र से भी उसने सलाह ली। ही आल्सो कंसल्टेड द फ्रेंड, मित्र से भी उसने सलाह ली। ही आल्सो कंसल्टेड द फ्रेंड, मित्र ने कहा, द फ्रेंड सेड, क्या कहा, इस अवसर को मत गवाओ, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, मिस का मतलब होता है गवाना, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, इस अवसर को मत गवाओ, तुम उससे राज्य मांग लो, तुम की इंग्लिश होती यू आस्क, मांग लो हिम द किंगडम, तुम उससे राज्य मांग लो, तुम राजा बनकर रहना और राजसी सुख सुविधाओं का आनंद उठाना, यू लिव एज अ किंग एंड एंजॉय द प्लीजर ऑफ रॉयल्टी, राजसी सुख सुविधा का आनंद की इंग्लिश होगी प्लीजर ऑफ द रॉयल्टी, और एंजॉय का मतलब होता है आनंद उठाना, यू लिव एज अ किंग, तुम एक राजा की तरह रहना एंड एंजॉय द प्लीजर ऑफ द रॉयल्टी, राशि सुख सुविधाओं का आनंद उठाना। दोस्तों अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।